हिंडनबर्ग ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह ने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा किया। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शेयर बाजार के कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। इन कंपनियों के जरिए बाजार में हेरफेर भी की गई। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह ने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा किया है। टैक्स हेवन देशों यानी कि ऐसे देश जहां से निवेश करने पर टैक्स नहीं देना पड़ता या बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, कंपनियां बनाई गई, उनके जरिए अडानी के शेयरों के दाम गलत तरीके से बढ़ाए गए। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर मुंह के बल गिरे और अडानी समूह को भी बड़ा नुकसान हुआ। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी फर्म अडानी समूह को दुर्भावना से प्रेरित होकर निशाना बना रही है। इन आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कोर्ट ने 6 लोगों का पैनल गठित किया। पैनल को निर्देश दिया गया कि वो इस मामले पर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। इस साल मई में इस पैनल ने कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में कहा कि बाजार नियामक सेबी अडानी मामले में कोई भी गड़बड़ी पता नहीं लगा सका। 173 पेज की रिपोर्ट में पैनल ने बताया कि सेबी का मानना है कि विदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो में संदिग्ध रूप से कुछ गड़बड़ियां थीं, लेकिन क्या और कैसे उल्लंघन हुआ इसका पता नहीं लग सका है। अब लगभग 2 महीने बाद शनिवार को हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई और जो दावा करती है कि सेबी, जिसे अडानी मामले में जांच करनी थी, उसकी अध्यक्ष और उसके पति के अतीत में अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर कंपनी में शेयर थे। शॉर्ट सेलर फर्म का कहना है कि सेबी का अडानी समूह में संदिग्ध विदेशी शेयर धारकों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने में इच्छा की कमी का कारण भी हो सकता है। माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि सेबी के सामने जरूरत पड़ने पर हर तरह से डिस्क्लोजर दिए गए हैं। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा सवाल माधवी बुच ने पूछा उनसे पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या अडानी ग्रुप मामले में जांच कर रही सेबी की टीम का हिस्सा थी या नहीं। इस सवाल का जवाब अब तक सेबी या माधवी बुच की ओर से साफ साफ नहीं दिया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेबी प्रमुख माधवी बुच ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 6 सदस्यों के पैनल को अडानी मामले की जांच का ब्रीफ किया था। अगर ये सही है तो माधवी बुच बतौर सेबी प्रमुख जांच का हिस्सा थी। एक वरिष्ठ पत्रकार नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहते हैं कि इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। पहला ये है कि माधवी बुच और धवल बुच ने एक निजी तौर पर एक कंपनी में निवेश किया जो वो खुद मान रहे हैं। दूसरा है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, वो ये कि क्या माधवी बुच ने अडानी मामले में जांच से खुद को अलग रखा था या नहीं। जानकार मानते हैं कि अगर उन्हें पता था कि जिन कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं उनमें अतीत में उनका निवेश था तो उन्हें इस सूरत में खुद को जांच से अलग रखना चाहिए। हालांकि सवाल का जवाब साफ अब तक सामने नहीं आया है। जानकार एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जब बीते साल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई थी तो क्या उसके बाद सेबी प्रमुख की ओर से कोई डिस्क्लोजर दिया गया, क्योंकि इन विदेशी कंपनियों के जरिए मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। ये दावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में एक नॉन प्रॉफिट अडानी वॉच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टैक्स हेवन देश बर्मुडा की कंपनी ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटी फंड उन कंपनियों में से एक है जिसके मालिक गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी है। कथित तौर पर इस कंपनी के जरिए स्टॉक मार्केट को कृत्रिम तरीके से तेजी लाने के लिए इस्तेमाल किया गया और अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ती चली गई। ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटी फंड ने मॉरिशस की कंपनी IPI प्लस में निवेश किया। इसके जरिए भारतीय स्टॉक बाजार में पैसे लगाए गए। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी ने मॉरिशस और बर्मुडा में अडानी ग्रुप से जुड़ी इन कंपनियों की जांच करने के मामलों में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। हिंडनबर्ग ने एक विस्लोवोवर के हवाले से हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है। सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के इन विदेशी कंपनी में शेयर थे जिसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों को खरीदने और बाजार को मैनिपुलेट करने में किया गया। जून 2015 में माधवी और धवल बुच ने IPI प्लस में पहली बार निवेश किया। यह साल 2017 में माधवी बुच के सेबी का सदस्य नियुक्त किए जाने के पहले किया गया था।
लेकिन पत्नी माधवी की सेबी में नियुक्ति से ठीक पहले धवल बुश ने मॉरिशस की कंपनी के शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2018 में माधवी बुश ने अपने निजी जीमेल अकाउंट से मेल किया कि GDOF में उनके पति की जो भी शेयर होल्डिंग है उसे रिडीम किया जाए यानी बेच दिया जाए। शनिवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगने के बाद बुश दंपति ने बयान जारी कर कहा कि निवेश उन्होंने सिंगापुर में प्राइवेट सिटीजन रहते हुए किया था। उन्होंने इन कंपनियों में निवेश करने का फैसला लिया क्योंकि धवल बुश के दोस्त अनिल आहूजा इन कंपनियों के मुख्य निवेश अधिकारी थे। अनिल आहूजा को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2017 तक अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर थे, वो अडानी पावर के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप माधवी बुश पर लगाए गए हैं उन्होंने अपने बयान में इनकार कर दिया। सेबी का यह बयान, सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर एक बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सेबी ने कहा कि निवेशकों को शांति बनाए रखनी चाहिए और ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस जानकारी का सही आंकलन कर लेना चाहिए। सेबी के मुताबिक निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उसमें शॉर्ट पोजिशन रख सकती है। सेबी ने कहा कि अडानी समूह के मामले में सेबी ने 24 से 23 जांचों को पूरा कर लिया है और आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी के अनुसार उसने अडानी समूह को 100 से ज्यादा समन लगभग 1100 पत्र और ईमेल के जरिए किए हैं। इसके अलावा सेबी ने घरेलू और विदेशी नियामकों से 300 से ज्यादा बार बातचीत की गई, साथ ही 12,000 पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हाल के वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय शेयर मार्केट में अपनी कमाई लगा रहे हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं निवेशक करने के लिए जोखिम के मुद्दे को उठाऊं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट का नियमन करने वाली भारत की संस्था सेबी पर आरोप लग रहे हैं, लाखों लोगों की जमा पूंजी खतरे में है, इसलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इससे तीन बड़े सवाल उठते हैं। पहले ये कि आरोप लगने के बाद भी माधवी पूरी इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा, ईश्वर ना करे अगर बाजार में कुछ गड़बड़ हुई और निवेशकों को अपना पैसा खोना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सेबी चीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अडानी। तीसरा, ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। अब गंभीर आरोप लगने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगा। अब ये साफ हो रहा है कि पीएम मोदी इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने को लेकर क्यों डर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि सेबी के चेयरपर्सन का अडानी समूह में निवेशक होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्जा दोनों है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेबी को भेजी गई सारी शिकायतें अनसुनी हो जाती हैं। महुआ मित्रा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस चेयरपर्सन के नेतृत्व में सेबी की ओर से अडानी पर की जा रही किसी भी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सूचना सार्वजनिक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का अपने निर्णय को दोबारा देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।